क्या आप घूमने के शौकीन हैं? अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए। लोग घूमने के लिए देश विदेश का यात्रा करते हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि अपने ही देश में अनोखे चीज है जिसे लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए। चलिए आज हम आपको विस्तार से इसकी जानकारी देते हैं। नमस्कार, मैं वर्तिका राय और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। इस विस्तार जानकारी से पहले आपको बता दें कि अनोखे भारत में ऐसी बहुत सारी जगह है जो लोग अभी तक नहीं जानते। अगर आपको भी ये खबर के बारे में पता है तो चलिए अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो चलिए हम आज आपको बताते हैं कि देश में, भारत देश में एक ऐसी जगह है जो लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन वो जगह गाँव है। इस गाँव को लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और दूर दूर से इस गाँव को देखने के लिए आते हैं। आखिर ये गांव में है क्या खासियत, आपको हम इसकी विस्तार से जानकारी देते हैं। घूमने के शौकीन देश विदेश की सैर करते हैं, लेकिन विदेश जाने से पहले अपने देश के हर कोने को देखें। इस जगहों की खूबसूरती मंत्रमुग्ध करने के लिए काफी है। क्या आप देश के आखिरी गांव के बारे में जानते हैं? देश का आखिरी गाँव बसा है उत्तराखंड की वादियों में, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। उत्तराखंड की वादियों में बसा है गांव माना, जो भारत का आखिरी गांव है। इस गांव की वादियां और नज़ारे इतनी खूबसूरत है कि बस यहां से वापस लौटने का दिल नहीं करता। कहां बसा है भारत का आखिरी गांव? तो ये गांव उत्तराखंड की वादियों में बसा है, भारत का आखिरी गांव माना। ये गांव भारत और तिब्बत की सीमा से लगा हुआ है। चमोली ज़िले के बसा ये गांव बद्रीनाथ से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर है। उत्तराखंड सरकार ने इस गांव को पर्यटन गांव के रूप में नामित किया है। माना गांव की है ये खासियत कि बद्रीनाथ से कुछ किलोमीटर दूर पर बसे इस गांव में सरस्वती नदी बहती है। मान्यता है कि इस गांव से होकर स्वर्ग जाते हुए पांडव भाई भीम ने सरस्वती नदी के ऊपर शिला रखी थी। बद्रीनाथ जाने वाले श्रद्धालु इस गांव की सैर जरूर करते हैं। पौराणिक मान्यताओं का गांव है माना। माना गांव के बारे में कई सारी पौराणिक मान्यताएं हैं। यहां के स्थानीय लोग इन बातों का जिक्र करते हैं। माना गांव के पास वसुधरा वाटरफॉल है, जिसकी बूंदें किसी इंसान के ऊपर अगर गिर जाए तो उसे पुण्य आत्मा माना जाता है। कहते हैं इस झरने की बूंदें इंसान पर जल्दी नहीं गिरती। वहीं यहाँ पर बने तप्त कुंड के जल में नहाने से कई सारे त्वचा के रोगों से मुक्ति मिलती है। माना गांव के पास व्यास गुफा है, जिसके बारे में मान्यता है कि महर्षि व्यास ने इस जगह पर बैठकर वेदों की रचना की थी। गुफा के अंदर छोटा सा मंदिर है जो करीब 5000 साल पुराना है। भीम पुल सरस्वती नदी पर रखी एक चट्टान है। मान्यता है कि भीम ने इस चट्टान को स्वर्ग की यात्रा के दौरान द्रौपदी के नदी पार करने के लिए सरस्वती नदी के ऊपर रखी थी। कैसे पहुंचे माना? माना गांव उत्तराखंड के चमोली जिले में बसा है। बद्रीनाथ से महज 3 किलोमीटर दूरी होने की वजह से यहां वो टूरिस्ट ज़्यादा जाते हैं जो बद्रीनाथ दर्शन के लिए गए होते हैं। वहीं ये जगह ट्रैकिंग के लिए काफ़ी मशहूर है। तो ये माना गांव उत्तराखंड में बसा हुआ है और यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं घूमने के लिए, क्योंकि ये गांव काफ़ी ज़्यादा खास है। ये पौराणिक मान्यताओं पे भी आधारित है और ये जगह को लोग जहाँ देश विदेश घूमने जाते हैं वहीं इस जगह पर लोग दूर दूर से भी आते हैं घूमने के लिए। वैसे ही अगर आपको भी जाना है तो आपको पूरी डिटेल मिल ही गई है इस खबर के ज़रिए, तो आप भी ज़रूर घूमने जाएँ माना गांव। वैसे आपको ये खबर कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और भी खबरों और न्यूज़ के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।